પત્રકાર ભાઈ બહેનોનું સ્વાગત છે આપણી વચ્ચે ભારત સરકારના પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી સાંસદ શ્રી જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયાજી આપણી વચ્ચે છે તેઓ આજે આપણે વિધાનસભાની ચૂંટણીને ધ્યાનમાં લઈને ગુજરાતની અને દેશની અને રાજ્યની વિવિધ બાબત ઉપર આપણી સાથે વાત કરી હું વિનંતી કરું જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયાજીને તેઓ આપણી સાથે વાત કરી पहले तो मैं हमारे सभी पत्रकार भाई बंधुओं को आवाज आ रही पहले तो मैं हमारे सभी पत्रकार भाई बंधुओं को बहनों को राष्ट्र पत्रकारिता दिवस पर अपने तरफ से मैं आप सबको शुभकामनाएं और अपने तरफ से बधाई भी देना चाहता हूं। पत्रकारिता एक मजबूत प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ जरूर है, लेकिन इसकी अहमियत, महत्वपूर्णता देश के विकास और प्रगति में केवल नहीं, लेकिन सच्चाई को सामने रखना, ये आप लोगों का सदैव दायित्व नहीं, आप लोगों का धर्म रहा है। सरकार को, राजनीतिज्ञों को सदैव सचेत रखना और सच्चाई का आईना दिखाना, ये आप लोगों की सदैव भूमिका रही है। तो आज के दिवस पर आप सब लोगों को मैं नमन करता हूं और बधाई भी देना चाहूंगा। गुजरात का चुनाव क्या ब्यूगल बज चुका है और मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि गुजरात इस पवित्र भूमि को नमन करने का मुझे एक मौका मिला है। वैसे तो मेरा रिश्ता गुजरात के साथ और आप सब के साथ तो है ही, क्योंकि गुजरात का मैं जमाई हूं, लेकिन उसके अतिरिक्त जो इस राज्य का, जनता का विशेषता और महत्वपूर्णता राष्ट्र पटल पर नहीं लेकिन विश्व पटल पर सदैव रहा है, ये बापू महात्मा गांधी की पवित्र भूमि है, सरदार पटेल की पवित्र भूमि है। इस भूमि ने कई ऐसे नवरत्न देश को और दुनिया को दिए हैं जिन्होंने इस देश का झंडा बुलंद किया है, चाहे वो विक्रम साराभाई हो, जमशेद जी टाटा हो। तो आज गुजरात का नाम और मान और सम्मान पूरे विश्व पटल पर पड़ा है और गुजरात की अहमता सदैव गुजरात की जनता रही है। गुजराती अस्मिता, गुजरात का नाम और निशान आगे बढ़ाना, ये दायित्व गुजरात की जनता ने उठाई और सदैव गुजरात ने राष्ट्र के विकास और प्रगति में अग्रसर भूमिका निभाई। माधव सिंह सोलंकी जी के कार्यकाल में
गुजरात में घरेलू उत्पादन का दर 16% प्रति वर्ष पे पड़ता था। चिमन भाई साहब के कार्यकाल में गुजरात का घरेलू उत्पादन दर 14% प्रति वर्ष पर पड़ता था। लेकिन आज दुख की बात है कि वो गुजरात का घरेलू उत्पादन का दर जो सदैव अग्रणीय होता था वो आज 6.7% तक सिमट चुका है। और इसके पीछे कारण क्या है? जो सन 1995 में राज्य का ऋण का बोझ 10,000 करोड़ रुपए होता था वो आज बढ़कर 2,22,000 करोड़ हो चुका है। मतलब 22 गुना वृद्धि हुई है पिछले 22 वर्षों में। और इस ऋण के बोझ के अंदर मुट्ठी भर लोगों की समृद्धि तो बहुत बड़ी है लेकिन आम जन गुजरात का ऋण ग्रस्त हो चुका है। जो वातावरण आज निर्मित हो चुका है पानी के लिए त्राही त्राही पिछले वर्ष मची थी, किसानों को तो नहीं मिली लेकिन मुट्ठी भर लोगों को मिली। बिजली की भी यही स्थिति थी। और आज जो अधोसंरचना गुजरात का आज टूटने के कागार पर आ चुका है उस पर गहरी चिंता मैं मानता हूं गुजरात की 6 करोड़ जनता व्यक्त करेगी। किसानों की हम बात करें, भाजपा ने नारा लगाया था कि अब की बार किसानों की सरकार, इसलिए जब से भाजपा सरकार में आई है 12,000 से 15,000 किसान हर वर्ष आत्महत्या करते हैं। और प्रधानमंत्री विश्व भर में घूमते हैं, विश्व भर में अगर कहीं भी घटनाएं हो तो उस पर ट्वीट हो जाती है, लेकिन एक ट्वीट एक किसान के आत्महत्या पर आज तक नहीं। किसान का गला दोनों तरफ से घोटा जा रहा है, चाहे पेट्रोल डीजल की हम बात करें, लागत बीज की बात करें, और दूसरे तरफ समर्थन मूल्य में कोई वृद्धि नहीं। जो 33% समर्थन मूल्य में वृद्धि होती थी कांग्रेस के जमाने में, आज 5-6% तक सीमित हो चुकी है समर्थन मूल्य की वृद्धि। तो किसान के गले को दोनों तरफ से घोटा जा, और उसके ऊपर नोटबंदी का तमाचा, जहां आज जो किसान अपना उत्पादन बेचकर अगले फसल की राशि लेता था, अगले फसल का बीज और खाद खरीदता था, आज उसे बैंकों के चक्कर घुमाने में मजबूर नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने कर दिया। और मंडी में जब किसान जाता है तो उसको कहा जाता है कि या तो चेक से पैसा लो या आरटीजीएस से पैसा लो, और उसके उत्पादन पर भी पूरी तरह से फांसी का फंदा लगाया जाता है ताकि दाम कम किया जाए, राशि उसको 1.5 महीने तक नहीं मिलती। तो जहां एक तरफ किसान पूरी तरह से मिट चुका है, पहला चपेट लगा नोटबंदी का और दूसरा चपेट लगा जीएसटी का। आपको आश्चर्य होगा सुनते हुए, जहां खाद का दाम बढ़कर आज 18% जीएसटी के रेट में आ चुका 5% से, कीटनाशक का दाम, जहां ट्रैक्टर का दाम 8% से अब 12.5% की श्रेणी में आ चुकी, डीएपी और यूरिया खरीदने जाओ तो 11 रुपए से 47 रुपए प्रति बोरी और महंगी हो चुकी, चारों तरफ से मार आज किसान पर पड़ चुका। और आज किसान त्रस्त और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से मस्त हो चुके।
जहां किसानों की हम बात करें, वहां महिला सुरक्षा की जो हम बात करते हैं, आज जो महिलाओं की स्थिति है राष्ट्र भर में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, अकेले गुजरात में 472 केस बलात्कार के पिछले वर्ष रजिस्टर हो चुके, महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार बढ़ रहा है, ड्रग्स और शराब रस्ते के किसी कोने में मिल रहा है। मेरे राज्य में तो भोपाल तो राजधानी बन चुकी है बलात्कार की। आपने सुना होगा वो हृदय को निचोड़ने वाली कहानी, जहां एक महिला हबीबगंज रेलवे स्टेशन से निकल रही थी और उसके साथ सामूहिक बलात्कार, उसके बाद पुलिस स्टेशन गई रिपोर्ट करने के लिए, तो पुलिस अफसर वहां कहती है कि तुम क्या मजाक करने आए, मेडिकल रिपोर्ट किया जाता है और मेडिकल रिपोर्ट में लिखा जाता है डॉक्टरों के द्वारा जब राजनीतिक प्रेशर आता है कि ये सामूहिक बलात्कार नहीं है, या आपसी सहमति के साथ ये एपिसोड हुआ है। तो ये अगर महिलाओं के ऊपर कलंक नहीं हमारे देश में तो क्या है, मैं पूछना चाहता हूं। कांग्रेस की सरकार आएगी तो फास्ट ट्रैक कोर्ट महिलाओं के लिए हम लोग स्थापित करेंगे, कांग्रेस की सरकार आएगी तो महिलाओं के लिए कांस्टेबल्स में वृद्धि की जाएगी, और खास कर सबसे बड़ा हक जो प्रजातंत्र में दिया जाता है, वो हक हमको दिया जाता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को, और आज उसी हक को कुचला जा रहा है। आप में से कई ऐसे लोग भी यहां बैठे होंगे जो स्वतंत्रता से अगर लिखते होंगे तो सरकार का दबाव आप पे भी आया होगा। प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ को कुचलने में कोई भी चीज इन्होंने नहीं छोड़ी, असहिष्णुता का वातावरण पूरे देश, गौरक्षा के आधार पर देश के हजारों लाखों लोगों के ऊपर प्रहार किया जाता है, और दूसरे तरफ बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनाने ये जाते हैं, जबकि गुजरात के 50 लाख दलितों पर रोजमर्रा अत्याचार किया जाता है। ऊना की घटना गुजरात के लिए शर्म की बात नहीं, मैंने संसद में कहा था यह हर संसद के सदस्य के लिए शर्म की बात है जो ऊना में हमारे दलित भाइयों के साथ घटना हुई। शर्म आनी चाहिए इन लोग, एक तरफ बाबा साहब अंबेडकर के लिए घर का उद्घाटन लंदन में करते हैं, मऊ जाते हैं प्रणाम करने के लिए, और जब दलितों के ऊपर अत्याचार होता है इनके मंत्री संतरी तंत्री एक भी शब्द नहीं कहते इस देश के अंदर, और प्रधानमंत्री स्वयं मूक दर्शक के रूप में खड़े रहते हैं। दूसरे तरफ जो रोहित वेमुला के साथ घटना हुई, जुनेद के साथ घटना हुई है, अखलाक से के साथ घटना हुई है, अलवर में अली उमर के साथ घटना हुई, कब तक ये अन्याय और अत्याचार का वातावरण तैनात किया जाएगा। और बात करते हैं ये स्टैंड अप इंडिया की, वास्तविकता है ये कुचल रहे हैं पूरे भारत। आज चर्चा की जा रही है रोहित वेमुला के जाति पर, मेरे भाई के देहांत के बाद संसद के अंदर इनके मंत्री वक्तव्य देते हैं कि अगर किसी जानवर पर पत्थर फेंका जाए तो इसमें कोई अन्याय नहीं, और जो लोग महात्मा गांधी और सरदार पटेल की विरासत छीनना चाहते हैं उन्हीं के सांसद संसद में कहते हैं कि नाथूराम गोडसे देशभक्ता, उन्हीं के साथ जुड़ी हुई संस्था कल ग्वालियर में नाथूराम गोडसे की स्मृति में मंदिर की उद्घाटन करती है। शर्म आना चाहिए इन लोगों, देशभक्ति का प्रमाण पत्र लेके ये घूमते हैं जब स्वयं बापू और सरदार पटेल के माथे पर कलंक लगाने का काम ये लोग करते हैं। सरदार पटेल की बात करते हैं जिन्होंने सदैव अपनी जिंदगी में अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, किसानों की लड़ाई लड़ी, आज किसान आत्महत्या हमारे प्रदेश में कर रहा है, हमारे देश में कर रहा है, पर सुनने के लिए कोई तैयार। सामाजिक स्थिति आप गुजरात में देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में
साक्षरता की दर में कितनी कमी आई है पिछले पांच वर्षों की। अनुच्छेद पढ़ने में 23% बच्चे हमारे गुजराती के एक पैराग्राफ भी अनुच्छेद नहीं पढ़ पाते। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तो ऐसे बढ़ रही हैं जैसे बुलेट ट्रेन चलती, लेकिन वहां फीस भी बुलेट ट्रेन के रफ्तार के आधार पर चल रही है। और सामान्य नागरिक को, गरीब नागरिक को कोई राशि नहीं मिलती इन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में प्रवेश करने के लिए। यही दुविधा है गुजरात की, जहां शासन को, सरकार को जो अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए वो जिम्मेदारी से सरकार भटक रही है। अस्पतालों की स्थिति आप देख लो, आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो 22 साल पहले से आज तक एक और भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पूरे गुजरात में नहीं बना, 7263 22 साल पहले और आज भी। आपके उप स्वास्थ्य केंद्र केवल 22 सालों में 18% वृद्धि, 7500 से करीब करीब 9000। और यही अहमदाबाद की बात कर लो आप, 22 साल में एक नई सरकारी अस्पताल नहीं बनी। तो क्या कौन सी था इस भाजपा सरकार से करना चाहती है, जहां एक तरफ गुजरात की अधोसंरचना पर आज प्रश्न चिन्ह है, बेरोजगारी की बीमारी देश व्यापक है और गुजरात व्यापक भी, जहां कहा था इन्होंने अब की बार रोजगारी की सरकार, पूरे देश में 2 करोड़ रोजगार के अवसर देंगे ये वादा किया था, पिछले 3 सालों में 4.5 लाख, 1,35,000 और पिछले वर्ष 2,30,000 रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए। चीन के राष्ट्रपति को लेकर आए थे साबरमती के तट पर, झुलाया था झूले में, ढोकला खिलाया था और तोहफे में 2 साल बाद सारी देश की नौकरियां चीन को भेज दी। चीन हर दिन 50,000 लोगों को रोजगार के अवसर उत्पन्न कराता है, हमारे देश में हम लोग केवल 450। जो गुजरात की नींव है, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमारे हीरो की इंडस्ट्री, उनको जड़ से उखाड़ने का काम बीजेपी की सरकार ने किया है। सूरत में 4 करोड़ मीटर कपड़ा का उत्पादन हर साल होता था, वो आज घटकर 2 करोड़ मीटर हो चुका। 10 लाख हीरो की इंडस्ट्री की आप बात करो, 10 लाख 25 लाख लोगों को रोजगार अवसर उत्पन्न होता है, 30% बंद हो चुका। और तुलनात्मक दृष्टि से यह अन्याय तो आप देखो, बड़े कारोबारों के लिए 35,000 करोड़ का फिस्कल छूट दिया जाता है और जो इंडस्ट्री 25-25 लाख लोगों को रोजगार देती है उनके लिए जीएसटी में कपड़े पर 5% जीएसटी बढ़ा दिया, सारी इंडस्ट्री को चौपट कर दिया, लघु उद्योग को चौपट कर दी, जो इस देश की नींव होती है। 40% हमारे घरेलू उत्पादन का दर लघु उद्योग से आता है।